डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट बेटा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्या होता है बेटा फिर उसके बाद हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे उसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे और फिर हम देखेंगे जब रेजोनेंस होता है उस टाइम पे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है मतलब जो इम्पीडेंस होता है सर्किट का उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा जी सो so ये सभी बातें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सो so स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट तो देखें बेटा क्या डेफिनेशन है सीरीज रेजोनेंस सर्किट की ए सर्किट इन विच इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज पहली बात तो ये ध्यान देनी है कि तीनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे आर एल और सी और दूसरा क्या है द सर्किट एडमिट्स मैक्सिमम करंट कोरस्पॉन्डिंग टू अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सी मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सी पे सर्किट में से मैक्सिमम करंट पास होता है बेटा तो ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं सीरीज रेज़ोनेंस सर्किट ये चीज आपने ध्यान देनी है बेटा अब इसको समझें कैसे वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी एक्चुअली पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे बेटा तो जरा पहले ध्यान से देखें, हमें पता होता है, जो होता है और उसे कैसे लिखते हैं बेटा जेड इज इक्वल टू रूट आर स्क्वे प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वेयर बेटा ठीक है अब वो क्या कहना चाह रहा है वो कहता है कि अगर मैं लो फ्रिक्वेंसी पे बात करूं तो लो फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या रहता है लो रहता है बेटा मतलब एक्सएल क्या होता है एट लो फ्रीक्वेंसी एक्सएल इज लो ठीक है बेटा बट जो एक्ससी होता है दैट इज हाई अब वो ये कहना चाहता है कि जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो बेटा क्या होगा जरा आप समझना इनिशियली क्या है एक्सेल ये है ये एक्सेल का लेवल है और ये XC का लेवल है है बेटा ठीक दोनों को आप कंपेयर करें अगर ये Excel और ये XC. तो जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा क्या होने लगेगा बढ़ने लगेगा और एक्ससी क्या होने लगेगा घटने लगेगा बेटा तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे दोनों क्या हो जाएंगे बेटा इक्वल हो जाएंगे तो हम उस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी हो जाएगा एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स सी मतलब कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस अब इन दोनों को अगर हम आगे लेके चलें इनकी वैल्यू डालें तो उससे हमें क्या मिल जाएगा बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा देखिए जरा कैसे होगा तो बेटा एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी से अगर हम शुरू करें तो एक्सएल की वैल्यू बेटा होती है उमेगा एल बट यहां पे मैं उमेगा के सब्सक्रिप्ट में आर लिख रहा हूं ताकि मैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकाल सकूं बेटा सो so, और एक्स सी जो होता है दैट इज वन बाई उमेगा सी होता है बट उसको भी मैं क्या लिख रहा हूं उमेगा के सब्सक्रिप्ट में आर बेटा ताकि हमें एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाए अब हम क्या करेंगे उमेगा आर को इधर ले जाएंगे तो ये ओमेगा स्क्वेयर आर इज इक्वल टू तो वन बाई एल सी हो जाएगा बेटा जी अगर मैं अब स्क्वेयर को हटाऊंगा तो दोनों तरफ क्या करूंगा रूट करूंगा सो दैट इज आई विल बी गेटिंग वन बाई रूट एल सी ठीक है अब ओमेगा की वैल्यू को अगर रखें तो बेटा जी दैट इज टू पाई न्यू ये एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ये सिंपल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी न्यू आर दैट इज इक्वल टू वन बाई रूट एल सी और यहां से न्यू आर की अगर हम बात करें सो दैट इज वन बाई टू पाई रूट एल सी ये हमारे पास एंगुलर ये तो हो गया एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन और ये आ गया बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन ठीक है बेटा ये बात याद रखनी है और ये भी याद रखना है कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हो रहा है मतलब मैक्सिमम करंट जो है जब आर एल सी सीरीज में लगे हुए हैं उस कंडीशन में फ्लो कर रहा है बेटा जी क्लियर है अब हमें देखना है कि जब रेजोनेंस हुआ तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की पे इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है बेटा ठीक है ये वैल्यू आई ये कब आई जब एल इज इक्वल टू सी है तो इन दैट कंडीशन क्या हो जाता है अगर आप ध्यान से देखें बेटा हमें पता है जेड इज इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर प्लस माइनस होल स्क्वेयर और जब रेजोनेंस होता है एट रेजोनेंस बेटा जी एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी हो जाता है और अगर एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी हो जाएगा तो ये तो क्या हो जाएगा जीरो सो जेड क्या हो जाएगा बेटा दैट इज इक्वल टू आर एंड दिस इज मिनिमम वैल्यू वैल्यू ऑफ जेड है बेटा जी ये बात याद रखनी है आपने ठीक है सो अब मैं ये बात तो बता चुका हूं बेटा अगर रजिस्टेंस मिनिमम है तो बेटा ऑब्वियस है करंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा ठीक है बेटा तो मैक्सिमम होने का मतलब क्या है मैक्सिमम करंट आई नोट इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला है ई नोट बाई जेड बट जेड किसके बराबर आ गया दैट इज इक्वल टू आर सो दैट इज ई नॉट बाई आर ये बात आपने याद रखनी है सो so, यहां से आई नॉट ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू आ गई है बेटा ठीक है अब इससे रिलेटेड कुछ हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं वो देखें जरा क्या है बेटा ये जो हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आया इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है सो so बेटा फर्स्ट पॉइंट देखें अगर कहता है सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू आर जिसको हम सिंपली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस आर ऑफ द सर्किट आप चेक कर सकते हैं देखिए जरा इसमें कहीं भी कैपिटल आर नहीं है सिर्फ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू है बेटा क्लियर है नंबर टू सीरीज रेज़ोनेंस सर्किट एडमिट्स मैक्सिमम करंट क्योंकि वो तो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया बेटा कि वेन एवर देर विल बी रेजोनेंस ए मैक्सिमम करंट विल बी अलाउड टू पास थ्रू द सर्किट ठीक है बेटा एट रेजोनेंस so, अब वो मैक्सिम करंट पास हो रहा है मतलब वो करंट को अपने में से अलाउ कर रहा है टू पास थ्रू सो देर फोर सीरीज रेजोनेस सर्किट को हम क्या बोलते हैं सर्किट भी बोलते हैं थर्ड जो है दैट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सीरीज रेजोनेस सर्किट इज इन रेडियो एंड टीवी रिसीवर सेट्स तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिगार्डिंग सीरीज रेजोनेंस सर्किट बेटा ध्यान से इसे करें टेक कर बेटा पढ़ते रहें